गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। तो जहां पर करी थी मैंने पिछले ब्लॉग की एंडिंग, वहीं से कर रही हूँ इस ब्लॉग की शुरुआत। मैं हूँ इस वक्त अभी के स्कूल के बाहर, तो मैंने अभी भी इसको ड्रॉप करा है। आज अभी का लास्ट डे है, कल से उसकी हॉलीडेज शुरू है। तो बस वही बैठ के, स्कूल के बाहर बैठ के उसकी हॉलीडेज प्लान करी थी, उसको हॉलीडेज में क्या क्या कराना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो मैंने उसके लिए रॉक क्लाइंबिंग बुक करी है और आई एम ट्राइंग टू बुक अ बाइकिंग क्लब फॉर हिम, लेकिन मुझे उसमें जगह नहीं मिल रही है। तो गलती मेरी है, मुझे लेट हो गया तो अभी स्पेस मिल नहीं रहा है, बल्कि मैंने वेटिंग लिस्ट में डाला है उसको। और कल मैं उसको लेके जाने वाली हूँ जू, नोहाज आर्क फॉर्म फार्म फॉर्म क्या हो गया मुझे। तो बस ये सब चीज़ें चल रही है अभी मॉर्निंग में, ऑल मम्मीज ड्यूटीज, तो बस वो सब कर रही हूँ। क्योंकि छुट्टियाँ कुछ 1.5 वीक की हैं, ये हेलोवीन से पहले होती हैं, लेकिन इस बार इन छुट्टियों के अंदर ही यू नो हेलोवीन भी हो जाएगा और दिवाली भी हो जाएगी, सो विच इज़ रियली रियली गुड। तो मज़ा आ जाएगा फिर तो इस आने वाले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। वी आर गोइंग टू दिवाली मेला ऑल्सो, वी आर गोइंग टू फार्म फार्म तो हम कल ही जा रहे हैं मैं और अबीर, और वी आर गोइंग टू पम्पकिन पैच ऑल्सो। तो पम्पकिन लेके आना है क्योंकि हेलोवीन आ रही है और वो तो हमारा रिचुअल है, हमारा रस्म है, हमारा बच्चा नाराज हो जाएगा है, तो ये सब भी करना है। यार मुझे नहीं याद मैंने अपने बचपन में कभी हेलोवीन मनाया हो, मैंने तो नहीं मनाया टू बी ऑनेस्ट। अगर हम मनाते, मेरी दादी तो कह रही थी कि भूतों नू मनाते पे हो, है ना। मेरी दादी तो ऐसे थे, वो तो मनाने ही ना देते, कहते भूत भूत मनाने बड़ी चीज होंगी है, भूतों का दिन मनाते पे हो। तो एनीवे, तो चलो जी ये सब बातें तो चलती रहेंगी, ठीक है। ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। मैं घर से अपनी कॉफ़ी ले आई थी, 2 pounds 55 pence मैंने बचाए हैं, वरना मुझे यहाँ से कॉफ़ी खरीदनी पड़ती। आज मौसम बहुत अच्छा है, वैसे मैं रोज़ कॉफ़ी खरीदती नहीं हूँ, चुपचाप बच्चे को छोड़ के घर चली जाती हूँ, लेकिन वो कभी कभी मूड अच्छा होता है ना इंसान का, और मूड कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी हम अच्छे तरफ से उठते हैं। मुझे ऐसा लगा कोई मुझे कॉल कर रहा है। इट सेज 10% अच्छा, तो मेरी तो बीच में मेरी फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, वो कल फार्म जाना है ना, तो मैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कैसे जाना है क्या करना है। तो चलो जी अभी चलते हैं घर, मैं एंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है जी। मैं फटाफट से जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। भी मैंने करवा चौथ की थाली में पूजा था, नट्स मट्ठियाँ थोड़े से और स्नैक्स थे, तो वो सब मैं और सौरभ तो खा नहीं सकते और अभी तो खाएगा ही नहीं, नट्स तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता वो। तो वो सब कुछ मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि यू नो इट्स लाइक अ प्रसाद ओनली, तो अगर वो लोग खा लें, क्योंकि कोई खा लेगा तो अच्छी बात है ना। तो थैंक्स टू हर कि उसने कहा कि हाँ आप हमें दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैं जा रही हूँ उनके घर पे वो देने, और वहां पे एक और काम भी है, वो मैं आपको वहीं जाकर बताऊंगी। हेलो, तो हम कहाँ आ गए? वी हैव कम टू सी अव्यान। यार इतना प्यारा है ना ये, मैं उठ के बैठ रहा, देखना मुझे वेलकम करना है, उठकर ये मेरे लिए चाय बनानी है, क्या करना है? कमॉन कमॉन कमॉन। और यहाँ पे पल्लवी ने मेरे बनाया आपम अप्पे अप्पे, दिस इज अप्पे। तो मैंने पल्लवी को बोला मेरे लिए भी ये वाला तवा लेके आना, तो इट इज नाइस यार, बहुत टेस्टी है बहुत, और चटनी भी घर की है ना, नारियल। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो आज अप्पे खा रहे हैं और हम और क्या करने वाले हैं आज? आज हम साड़ी देखने वाले हैं ना, हम फुल फुल फेस्टिव वाइब में, हमारी फेस्टिव वाइब खत्म नहीं हो रही, गरबा के बाद दिवाली कभी खत्म नहीं होनी चाहिए कि नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दिवाली की पूरी तैयारियां चालू है। हाँ, और हम दिवाली मेला में जा रहे हैं, दिवाली मेला, तो हमने सोचा हम साड़ी पहनेंगे, तो मैं आई माइट सी सम साड़ीज की पल्लवी के पास कौन सी है, मेरे पास इतनी साड़ी है नहीं, पसंद आ जाए हो। नहीं नहीं आएंगे आएंगे, आई थिंक यू ड्रेप रियली वेल, तुम बहुत अच्छी साड़ी पहनती हो। हम लोग साड़ियाँ देख रहे हैं दिवाली मेला के लिए, ये तो नवारी है, तो मैं इसकी नवारी की कलेक्शन देख रही हूँ पल्लवी की, कलेक्शन में दो तीन ही है लेकिन है बड़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ। तो अभी हम सोच रहे हैं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, वैसे तो हमने सिलेक्ट कर ली है, बट विल कीप अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। एक ये साड़ी है बहुत प्यारी है, इट्स वेरी नाइस, इसका रेड कलर का ब्लाउज जा सकता है,
क्या बोला था आपने, पोचनी नहीं, ये महारानी पैचनी है, ये महारानी पैचनी है, उसका क्या बोला मैं, बुरी कांजीवरम है, दिस इज कांजीवरम गाइस, माय गॉड लुक एट द साड़ी, सो प्रिटी, और ये है पैचनी। तो मुझे अभी अभी पल्लवी ने बताया, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा डिजाइन नजर आता है ना, वो पैठनी साड़ी होती है, हाँ, क्योंकि ये कलर, ये हाँ, हाथ का काम होता है, हाँ, हाँ, तो बड़ा अच्छा है ये, हाँ, ये छोटू भी आ गया हमारा, मोर रहते हैं बेसिकली, मोर डिजाइन ठीक है, जो भी पैठनी होगा उसपे पिकॉक्स वगैरह बने होंगे, वेरी नाइस यार। ये है क्या बोलते हो, मशीन है ये, मशीन तो ये रियल पैठनी है, और इसके ना ऐसे हाथ से पूरा काम किया हुआ है, और ना फिर उन्होंने नेट भी लगाया हुआ है, तो ये नेट है यहाँ पे, जहाँ से आप खरीदते हो ना, जहाँ से आपको अच्छे से करके देते हो, वेरी नाइस, बड़ी महंगी है यार ये साड़ियाँ, माय गॉड वेरी नाइस ब्यूटीफुल। नहीं गाइस, पल्लवी बहुत सुंदर लगती है साड़ियों में, तो पल्लवी का मैंने इंस्टाग्राम आईडी और व्लॉग का नेम मेंशन करा है, तो गाइस प्लीज फॉलो करो, स्पेशली यू मेक, आपके मोस्टली आपके व्लॉग्स मराठी में होते हैं, है ना, मराठी में व्लॉग्स होते हैं, रेसिपीज वगैरह डाली हैं, रेसिपीज बहुत पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद जो है ना फूड रहता है ना, हाँ, की रेसिपीज ज्यादा है ज्यादा व्लॉग में, अभी मुझे करना है लेकिन नहीं नहीं, तो आप लोगों के साथ प्रीति के साथ होती हो तो हिंदी में व्लॉग आता है, तो हिंदी में आता है, अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आप लोग जाना पल्लवी के चैनल पे जरूर देखना, स्पेशली जिनको मराठी आती है ना। मैं बूट्स आ गई थी और मैंने कुछ सामान खरीदा है, मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाती हूँ, अभी फ़िलहाल करते हैं इसकी पेमेंट। तो बस मैंने अपने ब्लॉग की करी एडिटिंग फिनिश, और अब मुझे लेने जाना है अबीर को, आज अबीर का लास्ट डे स्कूल में, तो मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ क्यूकम्बर सैंडविच। तो हम लोग ये वाली ब्रेड यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में दिखाई है, और इस पर मैंने स्प्रेड लगा दिया है लूपाक, और अब मैं इसके ऊपर ये पतले पतले मैंने खीरे के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोट करी है, पहले ना मैं छोटे वाला नाइफ यूज़ करती थी, तो उससे मतलब कि काम तो उससे हो ही जाता था, क्योंकि हम बचपन से यू नो वो स्मॉल साइज नाइफ ही यूज़ करते आए हैं, लेकिन यार जो स्लाइसिंग करने का मज़ा बड़े नाइफ से है ना, और जो तरीके से स्लाइसिंग होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप छोटा नाइफ यूज़ करना ही भूल जाओगे। तो इफ़ यू रियली थिंक कि यार ये बड़ा नाइफ वाकई में काम करता है, एक बार आपने बड़ा नाइफ यूज़ करना शुरू करा ना, आप छोटा नाइफ यूज़ ही नहीं कर पाओगे, सो इट्स रियली रियली गुड। तो बस ये क्यूकम्बर स्लाइसेस लगाऊंगी इस पर, आप चाहो तो आप सॉल्ट एंड पेपर भी डाल सकते हो, मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि अबीर को मैं कभी भी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं देती हूँ, और पेपर उसको पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके जो वो हैं कॉर्नर्स हैं वो कट करूँगी, तो मैं थोड़ा सा बीच में करके लगाऊंगी स्लाइसेस। अभी इनको बहुत अच्छा लगता है ये वाला सैंडविच, और अभी उसे स्विमिंग पे भी जाना है, तो स्विमिंग से आके बेस्ट थिंग है ये खाने वाली। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सैंडविच, तो बस अब इसको फटाफट से करती हूँ पैक और निकलती हूँ स्कूल के लिए। मैंने अबीर को स्कूल से ले लिया था, लेकिन हम लोग स्विमिंग के लिए लेट हो गए थे, तो बस स्विमिंग फिनिश करी है अभी अभी। चले भाई, क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों हो, खुश नहीं हो, आज लास्ट डे था स्कूल का, टायर्ड आ जा मेरा बच्चा। मैं मम्मी क्यूकम्बर वाले सैंडविच लाई है अपने बच्चे के लिए, और देखो जी शॉर्ट्स ऑन है, कितना कूल बच्चा है हमारा, आ जा लड़का मेरा, आ जा लड़के, आ जा मेरा बेटा, आ जा। हाउ वाज स्विमिंग, कुछ हुआ है लग रहा है स्विमिंग में, अच्छा इसको ना ये वाला क्यूकम्बर सैंडविच ना वाइट ब्रेड में पसंद है, लेकिन मैंने ब्राउन में दिया है। एक बार तुम आज तुम ब्राउन में खा के देखो, सब बच्चों को बताओ ब्राउन ब्रेड अच्छी होती है कि नहीं होती, जल्दी बताओ। एंड आई वॉन्ट हमेशा की तरह Eight point seven. I don't want to give it a 10 out of 10, but it really deserves the flavor.
breakup. Bob giving it 9.9. That's 0.1. If that cucumber always just falls off. What are you gonna say? नहीं वो अब सैंडविच है वो फेविकोल का जरूर चुपका अच्छा है ना नाइस ना खाओ कल फिर रेडियो सरप्राइज के लिए मैंने इसको भी बताया मैं कल इसको एक सरप्राइज देने वाली हूँ आप लोगों से मैंने थोड़ी सी बात करी थी मॉर्निंग में तो अगर आपको याद हो यस आई एम टेकिंग यू समवेयर पर वो सरप्राइज कल ही पता चलेगा तुम्हें सरप्राइज सरप्राइज होता है यार वाई का क्या होता है इसमें I really don't know. It's a surprise and you will get it tomorrow. Hey, इतना अच्छा बच्चा है ना पहले नीचे सीजन हाँ पहले नीचे पढ़ाई करके आया है मैंने इसको बोला मैं तो आज आईपैड बिल्कुल नहीं दूंगी इतना क्यूटी है ना तेरी इन्हीं हरकतों पे ना मुझे तरस आ जाता है नीचे अपनी ऑनलाइन मैथ्स और इंग्लिश दोनों की पढ़ाई करके आया है अब ऊपर आके सोइंग कर रहा है तो करना क्या बेटे वॉल्टर वुड कौन था जो आप बना रहे हुए मी आई एम मोटवुड अरे तुम वॉल्टर वुड हो वो जो हिस्ट्री का हमें जो एक प्रोजेक्ट मिला है वो जो हमें ड्रेसअप होकर जाना है एक ट्रिप के लिए उसमें तुम वॉल्टर वुड हो था कौन ये वॉल्टर वुड ही इज वन ऑफ द सो वी आर गोइंग विजिटिंग द स्कूल एक्चुअली एंड ही वाज वन ऑफ द पर्संस इन दैट स्कूल अच्छा वॉल्टर वुड मैं भी चेक करती हूँ सफारी पे मैं अभी गूगल पे चेक करती हूँ कौन था वॉल्टर वुड We were visiting a school at the Victorian times, and there were these kids who went to this school, and we were doing a thing that, when, so we had to pick a name. There's loads of names, and those names were only the people that went to that school. So I chose Walter Wood. Okay, so you chose Walter. And he was the person to went, who went to that school. Sure. So ये दिखा दो एक बार सबको दिखा दो अपने बेटा ध्यान से करना नीडल मैंने. It's not sharp look. अच्छा वो तो कोई बात नहीं बट कभी पता नहीं होता है दिखाना सबको दिखा तो दो. उल्टा है सीधा करो. It's not. हम बता रहे हैं उल्टा. है. Oh, I thought you said that. वेरी नाइस तो इसको ये पूरा ऐसे धागे से इसको तो फिर आप ये अपने कॉस्ट्यूम पे लगा लोगे है ना ठीक है चलो कर लो फिर रेडियो कल सरप्राइज के लिए बार बार से पूछ रही हूँ तो कल हम अबीर को दे रहे हैं एक सरप्राइज एंड आई होप अबीर विल बी वेरी हैप्पी वी हैव टू लीव द हाउस एट 10:30 शार्प 10:30 वो तो मुझे पता नहीं तुम देख लेना कल चलो ठीक है देखते हैं तो मैं डिनर में बना रही हूँ पनीर की सब्जी शिमला मिर्च डालकर तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है मेरी पनीर की सब्जी की जो मैं शिमला मिर्च डाल के बनाती हूँ ये अदरक लहसुन प्याज जीरा इसको अच्छी तरह से सौते कर लूँगी अब इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने टमाटर इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ ही सौते कर लूँगी तो बस अब ये अच्छी तरह से सौते हो गया है अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले तो मसालों में डालूंगी थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी देगी मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा शाही पनीर मसाला और नमक भी ऐड कर दिया है आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो लेकिन ये अबीर ने खानी है तो मैं हरी मिर्च डाल नहीं रही हूँ और अबीर को ना बहुत पसंद आती है ऐसे मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी ऐसे खूब सारे प्याज डाल के खूब सारे टमाटर डाल के ऐसे ही मसाले डाल के फिर इसमें मलाई डालती थी घर की तो वो मलाई वाली सब्ज़ी बन जाती थी बड़ी स्वाद होती थी और बहुत स्वाद होती थी चल मैंने भी एक बार बनाई है अपने ब्लॉग्स में मुझे याद नहीं है मैंने बनाई है तो बस मैंने इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया है तो आज थोड़ी कम ही सब्ज़ी बन रही है बिकॉज पनीर भी कम था और मुझे सिर्फ अबीर के लिए बनानी है फटाफट से तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं और अब ऐड कर देंगे शिमला मिर्च ये रेसिपी ना बच्चों के लिए परफेक्ट है ना इसमें कोई ज़्यादा मिर्च है अदरक लहसुन भी है उनके डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
और आप लोग ट्राई करना, मुझे बताना, बच्चों को बहुत स्वाद लगेगी। आप ऐसे ये सब्जी बना के ना बड़ी सी एक रोटी लेकर उसमें डाल के इस सब्जी को एक अच्छा सा पनीर रैप भी बना सकते हैं उनके लिए। तो जो बच्चे रोटी और सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए पनीर रैप हो जाएगा इसी रेसिपी से। ऐसे आप पनीर की सब्जी बना लो फिर इसको रोटी के अंदर डाल दो। बस अब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया, मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। फ्रिज के अंदर ना थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी बॉइल्ड हो रखी, मैंने सोचा था मैं उसके ना परांठे बनाऊंगी, लेकिन मैंने वो दाल ली एक कटोरी, फटाफट से उसको लगाया तड़का और अब उस थोड़ा उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने करी लीव्स डाले हैं, थोड़े से टमाटर डाले हैं, प्याज डाला है, वो फटाफट वाला तड़का नहीं होता है वो वाला तड़का बनाया है। और आई एम मिसिंग सौरभ लॉट क्योंकि उसको ऐसे चीज़ें बहुत पसंद है फटाफट वाली ना, जल्दी जल्दी बनती हैं जो। तो हमारी पनीर की सब्जी हो चुकी है तैयार, इसको मैं गार्निश करूँगी कोरिएंडर के साथ। और यहाँ पर हमारी दाल तड़का भी रेडी है, पता दोनों चीज़ों के अंदर धनिया डाल के एक अलग ही रंगत आ गई है। हम दोनों का खाना हो गया रेडी, दोनों बेटा और मम्मी बैठ के खाना खाएंगे। अब मैं राइस भी लेके आ रही हूँ, थोड़े से पहले फुलके खाओ फिर राइस खाएंगे, ठीक है? चलो खाना खाते हैं। क्या हुआ बेटा? टायर्ड मेरा बच्चा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी देखो खाना खा के एनर्जी आ जाएगी, जल्दी आ जाओ, जल्दी खाना खाते हैं। वीर सूरी ने खाना खा लिया है और अब उनका पानी पीने का टाइम, और उनको पता है ये सौंफ वाला पानी है। उठ के बैठ जाओ जल्दी से, फिर मैं अपने रूम में सो जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी। उठ के बैठ जाओ जल्दी से, वैसे तो ये मेरा ही रूम है जो तुमने हथियार रखा है। I love blankets, but it says peanut on it. And कहाँ से खरीदा था ये बताना? And but I'm allergic to peanuts. And you're wearing peanut blanket, M&M. I love it. क्या है उसके इनसाइड में बताना मुझे जरा। Duh. अबीर वो कप का कलर है अंदर से ऐसे, वो रस्टी कप्स हैं। तुम लोगों को कुछ नहीं पता है कलेक्शन के बारे में। तुम पानी पियो। It's bad, rusty cups. अभी रस्टी नहीं है, मतलब उसका डिजाइन ही ऐसा ही ब्लू कलर के कप्स हैं। तुम्हें समझ नहीं आया? देखो तुम्हारे कुशन के साथ। अरे तुम्हें तुम्हें और तुम्हारे पापा को ना स्टील के ग्लास में पिलाना चाहिए पानी। oh my god, the sound that makes. की बात कर रहा है, अभी नानी के घर गया था ना। Would nothing happen? But if I put on that stainless steel pe iske teeth lagte hai na. You know missing daddy today. Aur daddy ne to puri koshish kari thi surprise ko break karne ki. Daddy ko pata nahi tha main kal surprise de rahi hu. Nahi hum wahan nahi ja rahe hain. Tumhara surprise kuch aur hai. Surprise is not the name of the place. Wahan par ek aur surprise hai. सरप्राइज ये नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक और सरप्राइज है। Why? ये तुम्हें कल ही पता लगेगा, पता लग जाएगा। In tomorrow's vlog, everything will be revealed. Can you please drink the water? सुनो मेरी बात सुनो। Listen, is there another surprise in this surprise? Yeah. So when I reach in the vlog, there's gonna be. So there are two surprises. So Daddy and you ruined one. पता नहीं मुझे, तुम पानी पी लो। So when we reach in the vlog, there's gonna be another surprise. I don't know. Yes. It is. So we're going to know that. I tricked you. Now I know we're going to know it all. Now I don't know one. You'll come to know tomorrow. Chalo. Ab. Go went gone. Toh khush itna ho raha hai, aise pata nahi. स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई। माय गॉड, ओके अभी मैंने टेल कर दिया ना, अभी तुम सो जाओ। गाइस यू प्ले ब्रू स्टार्स, कमेंट डाउन बिलो इफ एनी ऑफ यू गाइस प्ले ब्रॉल स्टार्स इंग्लिश। कमेंट डाउन बिलो हाउ मेनी बॉलर्स यू हैव। ओनो मोना नोना And how many coins and how many gems you have. Okay. So there's three things. Okay. Sleep well now. Coins, gems and coins. Okay. Sleep well. My husband is not at home today. So I'm definitely going to... Who's your husband? Huh?
who's my husband? My daddy. Obviously. मैं तो फालतू की बातें करवा लूँ इससे जितनी मर्जी. Shush. चलो. Good night.